और जो आपका WhatsApp नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, वो आपके डिस्प्ले में शो करता है। दोस्तों तो ये जो डिजिटल कंसोल मीटर है, इसके अंदर एक और फीचर है जो कि अभी मिस कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। साथ में हमें मिल जाता है USB चार्जिंग पोर्ट और स्प्लेंडर प्लस का सक्सेसर कोई भी कंपनी नहीं आई है अभी तक। और ये फीचर्स के साथ में सेम एवरेज में बेटर लुक में आपको मिल जाएगा 1 लाख के अंदर अंदर। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के बारे में, जो कि न्यू मॉडल है 2023 का मई मॉडल। तो आज हम देखेंगे इसका कुछ बेसिक डिटेल्स और साथ साथ बात करेंगे जो इसके साथ ऐड किया गया है फीचर्स। और मैं इस प्राइस रेंज में जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमें ये स्प्लेंडर प्लस, जो एक मेरा कंक्लूजन होगा इस प्राइस रेंज में ये लेना सही है या नहीं, तक आप भी वीडियो देख करके निकाल सकते हैं एक कंक्लूजन कि ये गाड़ी हमें इस बजट में लेना चाहिए या नहीं। तो हम सबसे पहले इसका जो डिजिटल मीटर कंसोल है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक जो पैटर्न है, बाकी पैटर्न तो आप सभी जानते हैं, जो एक ऐड किया गया जो पैटर्न, उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं हमें डिस्प्ले में क्या क्या मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये इस तरीके से हम जैसे गाड़ी ऑन करते हैं तो इसका डिजिटल कंसोल जो है, मीटर कंसोल, वो ओपन हो जाता है। और आपकी गाड़ी, जैसा कि ये आपकी गाड़ी जो है 0 to 140 किलोमीटर जो कंपनी बोलती है उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ से मुझे पेट्रोल इंडिकेटर दे देगा, यहाँ पे गियर इंडिकेट करेगा जो कि न्यूट्रल ही करेगा, 1, 2, 3 ऐसा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है इसका। उसके बाद में i3 फीचर्स जो कि पुरानी फीचर्स है वो आपको शो हो जाएगा। फोर्थ में ये बैटरी मोड है और साथ साथ एक स्टैंड मोड मिल जाता है जो आप सभी जानते हैं। जैसे मैं स्टैंड अभी डाउन करता हूँ और इस तरीके से डाउन करने के बाद देखिए स्टैंड मोड है। स्टैंड मोड का एक बेसिक फीचर्स है और हमारे सेफ्टी के लिए ऐड किया गया है इसको। और साथ में एक जो ब्लूटूथ मोड है, और जो आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, वो आपके डिस्प्ले में शो करता है। दोस्तों तो ये जो डिजिटल कंसोल मीटर है, इसके अंदर एक और फीचर है जो कि अभी मिस कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, वो एक रियल टाइम माइलेज है जो कि रियल टाइम माइलेज शो करता है। और इसमें जो है रियल टाइम माइलेज अभी वर्क नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं किसी भी मोड में जो है कहीं भी नहीं दिखा, जो कि ओपन फ्रंट में ही दिखाता है कि आपकी जो गाड़ी है वो कितना चलने वाली आगे, तो वो ये वर्क नहीं कर पा रहा है। ये साथ में हमें मिल जाता है USB चार्जिंग पोर्ट। और उसके बाद जो बेसिक फीचर्स है हम उसका बताते हैं, जो कि स्प्लेंडर प्लस और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में जो मेन डिफरेंट है, वो मेन डिफरेंट आपको ये डिस्प्ले कंसोल मिल जाता है। साथ में एक थोड़ा सा फीचर्स आप आइए मुझे, मैं आपको बताता हूँ। साथ में आपको ये जो कलर पैटर्न है, ये कलर पैटर्न मिल जाता है आपको एक्सटेक में, और ये एक कलर पैटर्न, एक लोगो आपको मिल जाता है एक्सटेक का। और सेकेंड जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको ये स्टिकर मिल जाएगा एक्सटेक में, बाकी जो गाड़ी होगी उसमें प्लेन होगा। तो एक जो है पोजीशन लैंप, हाई इंसिटी लैंप जो कि एक दिया गया, एक्स्ट्रा ऐड किया गया, पुलारी पुरानी स्प्लेंडर में नहीं है, जो कि इसमें एक ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा फीचर। अब इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ भी मुझे एक्सटेक का लोगो मिल जाएगा, और जो पुरानी गाड़ी है उसमें i3 का मिल जाएगा यहाँ पे, और कोई भी डिफरेंट इसमें कुछ ज़्यादा उसमें और इसमें नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके जो टायर की साइज़ है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो टायर का साइज़ है वो 18 इंच टायर का साइज़ मिल जाता है। तो i3S का एक स्मार्ट फीचर है जो आप सभी जानते हैं, इस तरीके से 5 सेकेंड में गाड़ी बंद हो जाएगी। इसका एक बेसिक फीचर्स ये है कि आप पेट्रोल को सेव कर पाएंगे, आप जब ट्रैफिक में कहीं खड़े हुए हैं और आप बंद नहीं करना चाहते, ये ऑटोमेटिक जो है 5 सेकेंड में बंद हो जाएगी। आपका माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा और आप माइलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे ही आपको फिर जैसे आपका ट्रैफिक क्लियर होता है, आप चलना चाहते हैं, आप ये क्लच को ऐसे पुश करेंगे और ये गाड़ी आपकी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो आप सभी जानते हैं कि E20 क्या है,
और सभी गाड़ी में आ रही है। बट एक बेसिक जो मैं आपको बता दूं, E20 जो है ये एक इथेनॉल जो 20% पेट्रोल के साथ में ऐड होता है, जो एक रेस प्रोडक्ट से बनता है, और इसे जो है गाड़ी का इंजन रस्टिंग वगैरह न होता है, और बेहतर जो है इसका माइलेज में भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक बेसिक जो सब गाड़ी में अभी ऑलमोस्ट आ रही है। इसका जो हाइट है, इसका जो लो हाइट है वो 785 mm जो सीट हाइट है, जो कि हमारा जो लो हाइट जो चलाने वाले जो लो हाइट से लेकर के एक एवरेज हाइट तक जो भी आदमी है वो इसको आसानी से चला सकता है, और सिटी में भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से इसको चला सकता है। और अब ये जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इंडिया के अंदर इसका मार्केट आज तक बना हुआ है, बट आज भी इसके अंदर थोड़ा सा जो प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। बाकी गाड़ी जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, डे टू डे लाइफ में 99% लोग इसको पसंद करते हैं। स्प्लेंडर प्लस और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो कि डिजिटल कंसोल मीटर है, और इसके लिए जो है आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा स्प्लेंडर प्लस के जगह में एक्सटेक अगर आप कंसीडर करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके प्राइस कंक्लूजन पे। गाड़ी तो अच्छी है पर प्राइस की बात करते हैं, तो इसका जो प्राइस है वो एक शोरूम प्राइस वो मिलता है 79,600 समथिंग, और 5,600 जो है इसका इंश्योरेंस है, और 10,000 समथिंग जो इसका RTO चार्ज है, जो कि टोटल ऑल इन वन 95,000 मिल जाता है। और स्प्लेंडर प्लस अगर कंसीडर करते हैं तो 90,000, जो कि 5,000 का डिफरेंस है। तो अब प्राइस कंक्लूजन की बात रही तो कंपनी गाड़ी ब्रांड और ये क्वालिटी ये ऑल इन वन रहा है हमेशा। हालांकि स्प्लेंडर प्लस का सक्सेसर कोई भी कंपनी नहीं आई है अभी तक, और यही कारण है कि इस प्राइस रेंज में कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है कंपनी, जो कि 95,000 में अगर आप 1,00,000 अगर पे करते हैं तो मुझे लगता है, मैं रिकमेंड करूंगा या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, जो कि 1,00,000 में क्रोम ब्रेक के साथ में इससे बेहतर फीचर्स के साथ में सेम एवरेज में बेटर लुक में आपको मिल जाएगा 1,00,000 के अंदर SP125 जो कि एक लीडिंग ब्रांड है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है आज के डेट में इंडिया में। तो गाइज इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और आपसे रिकमेंड करूंगा मैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू, जय हिंद।